गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने अंडर ग्रेड एडमिशन 2023 का आगाज़ कर दिया है, जिसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मई 2023 है। एडमिशन टेस्ट 13 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा और उसका रिजल्ट 23 जुलाई तक अनाउंस हो जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई 2023 को लगेगी। अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और कैट दिया हुआ है या नहीं दिया, तो जीकी इंस्टीट्यूट जो है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में लाजमी अप्लाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट एमडी कैट यूट्यूब चैनल और आज की ये वीडियो गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के मुतालिक है। क्योंकि जीकी ने अपने एडमिशन का आगाज़ कर दिया है और एडमिशन एडवर्टाइजमेंट भी आ गई है, और ये आप लोग जो एडमिशन के ख्वाह हैं वो वीडियो लाजमी देखें। अगर हम इसकी वेबसाइट की तरफ देखें कि वेबसाइट इसकी कौन सी है सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें वेबसाइट कौन पता होना लाजमी है, तो इसकी वेबसाइट है www.giki.edu.pk। और उसके बाद आपने देखना, ये पेज आपके सामने ओपन होगा, एडमिशन्स पे आपने क्लिक करना है और ये सारा जो डिटेल्स है ये सामने आपके आ जाएगी। एडमिशन पे अप्लाई जब आप करेंगे तो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे जाके आपने पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है ताकि आप फर्दर प्रोसेस कर सकें। अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, उसमें आपका FSC का रिज़ल्ट कार्ड है, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है, डोमिसाइल है, इसी तरह रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं विद ब्लू बैकग्राउंड, ताकि जब आप अप्लाई करने बैठें तो इन चीज़ों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ना आए। कोई मतलब अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो अप्लाई करने में मसला हो जाएगा आपके लिए। अगर हम इसके देखें कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 15 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और जो इसी तरह साथ साथ आप इसके जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनंशियल असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप देंगे वो 31 मई तक वहाँ जमा करा सकते हैं। एडमिशन टेस्ट जो होगा जीकी का वो 13 जुलाई से स्टार्ट होगा 16 जुलाई तक, और उसका रिज़ल्ट 23 जुलाई 2023 तक आ जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट जो है 23 जुलाई को लग जाएगी। इसी तरह जो ज्वाइनिंग होगी आपकी क्लासेस वो सितंबर 2, 2023 तक आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और क्लासेस 4 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम देखें कि अब इस पर अप्लाई कैसे करना है, तो ये साथ में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हाउ टू अप्लाई, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा प्रोसेस आ जाता है कि आपने कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे फ़ी एंड एक्सपेंसेस है, फ़ी भी आप देख लेंगे अभी क्या फ़ी है इसकी, और इसी तरह ये इसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। दो किस्म के एग्ज़ाम होंगे और दोनों डिफरेंट एग्ज़ाम होंगे। पहला जो होगा इंजीनियरिंग या कंप्यूटरिंग एग्ज़ाम होगा फॉर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए अलग टेस्ट होगा, और दूसरा मैनेजमेंट साइंसेज के जो प्रोग्राम है उसका अलहदा से टेस्ट होगा। ये आप देख रहे हैं सिलेबस, आप वहाँ से टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों जो एडमिशन टेस्ट होंगे दो डिफरेंट है ना, तो दोनों का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सैम्पल पेपर पर अगर हम देखें, ये देखें सैम्पल पेपर भी आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि भी टेस्ट किस तरह का होगा। ये चीज़ें आपने डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट का टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि भी हो ना पाए, टेस्ट बड़ा जानदार होता है। आप अच्छी से तैयारी करके जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको। बाकी अगर इस हवाले से आपको मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप कमेंट में जाके अपना जो भी इशू है वो पुट करें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। भाई सिलेबस आपने डाउनलोड कर लेना है और सैम्पल पेपर भी डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सामने आपके सिलेबस आ गए, अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखें मैथ शामिल है इसमें, इसी तरह
इसमें फिज़िक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तीन सब्जेक्ट हैं मैथ फिज़िक्स इंग्लिश लैंग्वेज, और इनके आगे कंटेंट्स भी दिए हुए हैं क्या क्या चीज़ें आपने करके जानी है, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इन चीज़ों को लाजमी करके जाइए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।